हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मधु एबी किचन में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज हम अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाना बताएंगे। सबसे पहले हमने 5 से 6 अरबी के पत्ते छोटे साइज़ के लिए हैं। इसे अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद में कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद में अरबी के पत्ते का जो डंठल है उसको डंठल को काट कर निकाल देंगे चाकू के सहारे। इसी तरह सारे पत्ते का डंठल काट के निकाल देना है। फिर अरबी के पत्ते को फोल्ड करेंगे और चाकू के सहारे रफली काट लेंगे। इसी तरह सारे पत्ते को काट लेंगे। फिर इसे बड़े से बर्तन में डाल देंगे। और इसे साइड में रख दीजिए। अभी मिक्सी के छोटा वाला जार लीजिए। इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10-12 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 4 हरी मिर्ची और सबको दरदरा पीस लीजिए। देखिए इस तरह। फिर इसे साइड में रख दीजिए। अरबी के पत्ते में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला और जो ददरा जो पीसे हुए थे मिक्सी जार में अदरक लहसुन मिर्ची का उसको डालिए और 1 चम्मच तेल डालिए, 1 कटोरी बेसन डालिए और सबको इसी तरह सूखा मिला लीजिए। मतलब इसी तरह मसलते रहिए ताकि जो पत्ते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाए और उसका जो नमीपन है वो सब निकल जाए। मैंने 1 घंटा पहले इमली को पानी में भिंगो कर रखा था जो अच्छी तरह से फूल गई है। इसको उंगलियों के सहारे अच्छा से मसल लीजिए और इसका जो पानी है इसको अरबी के पत्तों में डाल लीजिए और डालकर सबको अच्छा से मसल लीजिए। इस तरह अरबी के पत्ते का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाइए और थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए, 1 छोटा सा नींबू की साइज का मिक्सचर लीजिए और उसका गोला बनाकर हाथों पर चिपटा शेप दे दीजिए। इस तरह जिस तरह टिक्की बनाते हैं इसी तरह सारे मिक्सचर का टिक्की बना लेंगे। फिर जो यह गमला है, गमले में जो बेसन है इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे और इसका बेसन सारा छुड़ा लेंगे और इसे ढककर साइड में रख देंगे ताकि ये बाद में ग्रेवी में काम आएगा, इसको फेंकना नहीं है। देखिए सारे टिक्की बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को गर्म कीजिए। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 2 चम्मच तेल डालिए। तेल को अच्छा तरह से गर्म होने दीजिए। फिर इसमें 1-1 करके टिक्की को डाल दीजिए। इसे मीडियम आँच पर उलटकर पलटकर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। इसे मीडियम आंच पर ही तलना है, नहीं तो हाई आंच पर तलेंगे तो मतलब कि ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए इसे धीरे धीरे तलना है। देखिए इस तरह उलटकर पलटकर तल लीजिए। तलने के बाद में इसे धीरे धीरे करके निकाल लीजिए कढ़ाई से। जो बचा हुआ मिक्सचर था उसका भी हमने टिक्की बना लिया है और 1-1 करके इसमें डाल दीजिए। इसे भी मीडियम आंच पर उलटकर पलटकर तल लीजिए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। फिर इसे निकाल लीजिए। देखिए सारी टिक्कियां तलकर तैयार हो गई है। फिर इसे साइड में रख दीजिए। छोटे वाले मिक्सी जार में 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10-12 काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा और 1 रफली कटा हुआ प्याज डालिए और इसको दरदरा पीस लीजिए। फिर इसे साइड में रख दीजिए। कढ़ाई को गर्म कीजिए। जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल था उसको गर्म कीजिए। फिर इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता तुर्क डालिए और 1 खड़ी लाल मिर्च डालिए और इसे धीमी आँच पर करकल होने दीजिए। जब यह करकल हो जाए तब इसमें दरदरा पिसा हुआ प्याज, लहसुन, गोल मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको डालेंगे और इसे हल्का कलर चेंज होने तक मीडियम आंच पर भून लेंगे।
जब प्याज और अदरक लहसुन का कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम पिसा हुआ टमाटर डालेंगे और टमाटर वाला पानी डालेंगे। फिर इसे हम चला लेंगे। फिर इसमें हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और सबको मिला लेंगे। ढक्कन से ढककर 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर मसाले को अच्छा से पकने देंगे। कुछ देर के बाद में ढक्कन हटाइए और फिर से मसाले को चला लीजिए। फिर हम इसमें इमली का पेस्ट डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सबको अच्छा से मिला लेंगे और ढक्कन से ढककर 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में फिर से चला लीजिए। फिर इसमें हम बेसन वाला जो बर्तन में पानी था वो पानी डालेंगे और 1 गिलास पानी और डालेंगे और फिर सबको मिला देंगे। मिलाने के बाद में ढक्कन से ढक देंगे और ग्रेवी में अच्छा उबाल आने देंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आने लगा है तो फिर इसे चला लीजिए। फिर सारी टिक्कियों को डाल दीजिए और सबको मिला लीजिए। ढककर 3 से 4 मिनट तक इसे ग्रेवी में पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद में फिर से चला लीजिए। फिर ढक्कन से ढक दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। कुछ देर इसी तरह छोड़ दीजिए। कुछ देर के बाद में देखिए हमारा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे रोटी चावल के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी बना था। एक बार ज़रूर बनाइए और अपना कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।